पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव जो हैं वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने पर लगी हुई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये यात्रा निकाला जा रहा है कि जन विश्वास यात्रा के नाम पर जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हमने इन कामों को अंजाम दिया है और इन्हीं कामों के दम पर जो है फिर से जनता हमें चुनेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से विराजमान कर देगी। पर प्रदेश भर से आ रही जन विश्वास यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही है और भीड़ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अश्लीलता भरा डांस कराना पड़ रहा है जनता को रोकने के लिए, फिर भी जनता नहीं जुट रही है। तो वहीं जन विश्वास यात्रा के पोस्टर लगाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही सिर फुड़ौल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही तस्वीरें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा से ही सामने आ रही हैं कि विधायक और सांसद में नोकझोंक हो रही है, एक दूसरे के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जब उनके अपने ही विश्वास को नहीं जीत पा रहे हैं तो जनता के विश्वास के बीच में जाकर के ये विश्वास यात्रा का शगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है। एक एक कर आपके सामने बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरों को सामने रखूंगा, पर सबसे पहले आपसे एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो Facebook, Insta, Twitter पर देख रहे हैं तो Insta, Twitter पर हमें फॉलो कीजिए और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपके सामने सबसे पहले बुलंदशहर के उस वीडियो को सामने रख दूं जहां अश्लीलता का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नंगा नाच किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ को जुटाने के लिए अश्लीलता भरा डांस कराया जिसमें तमाम लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास यात्रा में भीड़ जुटाने में बुलंदशहर में नाकाम रही है। आपको बता दें कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा फ्लॉप शो साबित हुई है, अश्लील डांस से भी भीड़ नहीं जुटा पाई है। आपको बता दें बुलंदशहर भाजपा द्वारा जिले में निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट ने शिकारपुर विधानसभा के छतारी नगर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में अश्लीलता परोसकर भीड़ जुटाने के नकार दिया है। प्रशासन के दम पर भाजपा लोगों को बुला रही है। उन्होंने कहा कि छतारी में भाजपा के एक दावेदार ने भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस कराया लेकिन खुलेआम नंगेपन पर उतारे हुए हैं, अश्लील डांस कराकर लोगों को बुला रहे हैं लेकिन जनता नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा का ये तस्वीर भाजपा कांग्रेस के फ्लॉप शो को करार देती है। युवा कांग्रेस ने यात्रा में अश्लील डांस कराकर भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। युवा प्रवास के फोटो सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं। जियाउर रहमान ने कहा है कि भाजपा को अश्लील जन विश्वास यात्रा पर लोगों द्वारा भीड़ जुटाने नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि संस्कृति, धर्म और संस्कारों की बात करने वाले भीड़ एकत्रित करने के लिए विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, मजदूर भाजपा से इस बार हिसाब लेंगे, जिस पर तमाम लोगों का यह कहना है कि जन विश्वास यात्रा के दौरान जो भीड़ जुटाई गई है वो पूरी तरीके से
फ्लॉप साबित हुई है, तो वही दूसरा वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां ग्रेटर नोएडा में जन विश्वास यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही नोकझोंक हो गई है। हेलो, सभी अपना अपना स्थान ले लें। ऐसे लोगों का अहंकार हम पहुंच। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जहां सांसद और विधायक के नेताओं के बीच में एक दूसरे की जय जयकार के नारे लगवाए जा रहे हैं, एक दूसरे के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये असल में जनविश्वास जीतने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां उनके नेता ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जहां अपने लोगों का ही जनविश्वास जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं, जो जिसके खेमे का है वो उसकी जय जयकार करने पर लगा हुआ है, और जनता के बीच में निकाली जा रही है जनविश्वास यात्रा। इसी के साथ साथ एक और तस्वीर जनविश्वास यात्रा की सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पोस्टर लगाने पर आपस में ही भिड़ गए हैं। ये तस्वीर भी बुलंदशहर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव इलना में भाजपा की जनविश्वास यात्रा से पहले रविवार रात सभा स्थल पर होर्डिंग लगाने को लेकर भाजपा के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। हमले में सयाना के भाजपा नेता राज्यपाल सिंह लोधी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोनू लोधी सहित 4-5 लोगों को चोटें आई हैं। राजपाल सिंह लोधी ने सयाना विधायक के पीसीआरओ समेत कईयों को नामजद करते हुए तहरीर दी है, जबकि पूर्वी जिला पंचायत सदस्य सोनू लोधी ने राजपाल सिंह, उनके पुत्र पत्नी समेत कई बाउंसरों के खिलाफ तहरीर दी है। सयाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि मारपीट के वक्त खुद वे और पीआरओ घटनास्थल पर नहीं थे, राजनीतिक द्वेष के चलते पीआरओ का नाम लिया जा रहा है। थाना प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये जनविश्वास यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें अश्लीलता खुलेआम परोसी जा रही है, तो वहीं इनके नेता आपस में नोकझोंक कर रहे हैं, तो वहीं पोस्टर बैनर लगाने को लेकर इन्हीं के नेता आपस में सिर फुड़वल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो खतरे की घंटी है वो बज चुकी है, जिसको बचाने के लिए अब चाहे जनविश्वास यात्रा का नाम दिया जाए, चाहे राम मंदिर के नाम पर शगुफे छोड़े जाएं, जनता मूड बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे 2017 में किए थे वो वादे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आपको फिर से सत्ता में बैठाया नहीं जा सकता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।